अब स्वर कितने हैं इस पे भी हम बात करेंगे, जो नॉन म्यूजिकल हैं, जो जिन्होंने सीखा नहीं है या इसकी जानकारी नहीं है, वो अभी तक सुनते आए कि संगीत में 7 स्वर होते हैं, लेकिन असल में संगीत में 12 स्वर होते हैं। संगीत में कुल 12 स्वर हैं। हम उनको समझेंगे किस प्रकार से 12 स्वर है। अभी तक जैसे सुनते आए हैं कि 7 स्वर हैं, तो इन 12 स्वरों पे हम गौर करेंगे, इसको थोड़ा आगे लाएंगे। कुल स्वर संगीत में कुल स्वर 12। अब हम इधर आएंगे, शुद्ध स्वर 7, सा रे ग म प ध और नी, ये शुद्ध स्वर हुए 7। इधर आएंगे, 5 स्वर जो होते हैं वो हैं विकृत, जो शुद्ध नहीं है, मतलब अपनी शुद्ध अवस्था से या तो ऊपर चढ़े हुए हैं या नीचे उतरे हुए हैं, तो ऐसे में 4 स्वर कोमल स्वर हैं, रे ग ध और नी। अब इसको हम दो जगह डिवाइड करेंगे, तीव्र स्वर, एक जो स्वर है वो मध्यम वो तीव्र है, मा स्वर तीव्र स्वर होता है, तो ऐसे कुल मिलाकर 7 + 5 = 12 स्वर हुए, 7 + 4 कोमल 1 तीव्र। अब इनको लगाने का क्या ढंग है वो मैं आपको बताता हूं। हम शुद्ध स्वरों पे पहले बात करेंगे, शुद्ध और कोमल में फर्क समझने के लिए इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम शुद्ध स्वर देखते हैं, आवाज की दूरी के हिसाब से ही ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ शुद्ध या कोमल। शुद्ध स्वर से जस्ट एक स्वर पहले कोमल स्वर होता है, जैसे सा रे गा, ये हुए शुद्ध स्वर। अब इसमें हम कोमल देखेंगे, शुद्ध से एक एक स्वर पहले लगाएंगे, सा रे गा रे सा, ये हुआ कोमल स्वर। अब हम इसको किताब के माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से समझेंगे कि कोमल स्वर और शुद्ध स्वर क्या है। शुद्ध स्वर में जैसे सा रे गा मा हमने लिखा, उसमें कोई चिन्ह होता नहीं है, शुद्ध स्वर में कोई चिन्ह होता नहीं है। समझने के लिए कोमल स्वर जैसे हमने लिखा रे गा, इसके नीचे एक आड़ी रेखा लगाएंगे तो ये कोमल स्वर का चिन्ह हुआ। जैसे गा के नीचे हमने आड़ी रेखा लगाई, कोमल स्वर का चिन्ह हुआ। इसी प्रकार से एक आया तीव्र स्वर, चढ़ा हुआ स्वर, तो सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर हैं। इसमें रे गा धा और नी उनके दो रूप हैं, वो शुद्ध हो सकते हैं और कोमल भी हो सकते हैं। दूसरा तीव्र स्वर, मा एक ऐसा स्वर है जो शुद्ध हो सकता है और तीव्र हो सकता है। समझने के लिए किताब के माध्यम से शुद्ध स्वरों में ही हम सबसे पहले बात करेंगे, आरोह अवरोह। शुद्ध स्वरों में आरोह अवरोह हम कैसे गाएंगे, तो सबसे पहले आरोह अवरोह है क्या ये समझेंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा, स्वर ऊपर गए, सात से इस सात तक जब आए
तो स्वर ऊपर चढ़ा, ये हुआ आ रो। अब होता है अवरो, स्वर के उतरते हुए क्रम को हम अवरो कहेंगे। प्रैक्टिकल करके देखते हैं इस प्रकार, सा नी धा पा मा ग रे सा, ऊपर से नीचे की ओर आए तो अवरो हुआ, सा नी धा पा मा ग रे सा। अब एक आरो अवरो के साथ एक चीज होती है, पकड़। पकड़ का अर्थ है कि जल्दी से हम किसी राग को पहचान सकें। छोटे स्वर समुदाय से, छोटे स्वर कॉम्बिनेशन से हम ये पहचान सके कि ये फला राग है। जैसे हम राग यमन की बात करते हैं तो उसमें स्वरों का ऐसा समूह बनाते हैं, कम से कम स्वरों का, जिससे राग जल्दी से स्पष्ट हो जाए कि ये फला राग है। नी रे ग रे सा म ग रे, विद्यार्थियों के जहन में होता है कि रियाज कैसे करें, रियाज क्या है, तो रियाज कैसे करें उसी पे हम बात करेंगे। रियाज का तरीका क्या है, सबसे पहले हम सात स्वर की साधना करेंगे। सात स्वर को बार 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 लगाएंगे। पहले अच्छा सांस लेंगे, फिर उसको आवाज के साथ धीरे 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 सांस को छोड़ेंगे। इसी प्रकार लगातार करेंगे, सांस लेंगे स्वर के साथ धीरे 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 आवाज के साथ सांस को छोड़ते जाएंगे। तो सबसे पहले सात स्वर का हम अभ्यास करेंगे। कहते हैं कि सा सदे तो सब सदे, अगर सा का अच्छे से अभ्यास हो जाए तो बाकी अन्य जो छह स्वर हैं वो अपने आप सद जाते हैं। तो सा को किस प्रकार से लगाना है, इसको हमिंग में भी हम लगा सकते हैं, जैसे या फिर इस प्रकार बार 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 बार, या ओम का भी हम उच्चारण कर सकते हैं। इस प्रकार से हम सात स्वर को साधेंगे। अब जहन में सवाल उठता है बिगनर्स जो हैं उनके, कि बार बार सा लगाने से क्या फायदा है, क्यों लगाते हैं बार बार सा? तो इसमें जो स्वर का वाइब्रेशन है, आवाज का जो हिलना है, वो कंट्रोल होता है। अच्छा सांस बनता है, वाइब्रेशन कंट्रोल होता है आवाज का। तो इस प्रकार हम सा लगाएंगे, इसी प्रकार अन्य स्वरों को भी हम लगाएंगे। स्टार्टिंग रियाज में बता रहा हूं, रियाज का तरीका मैं बता रहा हूं। सा को हम जितना हमारे पास वक्त है, जिसे संगीत के ही विद्यार्थी हैं कि हाँ उनको संगीत ही करना है, उनको खूब इसका अभ्यास करना चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट लगातार सा का अभ्यास करना चाहिए। और जो शौकिया म्यूजिक सीख रहे हैं या सीखते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए अगर उनके पास वक्त नहीं है तो कम समय लगाएं, 5 मिनट, 10 मिनट,
लेकिन सा का सबसे पहले अभ्यास करेंगे। ये स्टार्टिंग चीज है रियाज की। अब हम नेक्स्ट स्वर पे जाएंगे। जिन लोगों के स्वर सदे हुए हैं पहले से ही, जो म्यूजिक सीख रहे हैं, जो बच्चे, उनको ये स्वर सिर्फ सा की ध्वनि पे लगाना है। सा या पा खोल के रखना है हारमोनियम में या तानपुरे पे, बजाना नहीं है हारमोनियम को। लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए हारमोनियम को एक मशीन समझे, और ये मशीन आपको बताएगी, इसको चेक कर करके बार बार हम देखेंगे, जैसे सारे कि हम रे सही लगा रहे हैं क्या, सही दूरी पे हम लगा रहे हैं क्या स्वर को। तो सारे ऐसे ही बार बार सा पे आएंगे, फिर बार चेक बार बार लगाएंगे सारे रे रे सारे। बार बार कभी सा से रे, कभी डायरेक्ट रे, ये हम लगाते जाएंगे। अब हम आगे चलेंगे सारे गा कभी हम सारे गा जाएंगे, कभी हम सा से गा जाएंगे, कभी हम सारे रे गा इस तरीके से जाएंगे। अलग अलग तरीके से हम अगले स्वर पे जाएंगे और बार बार हम उस स्वर को टारगेट करेंगे जिसको हम लगा रहे हैं। जैसे अभी हम गा स्वर को लगा रहे हैं, हर स्वर पर रुक रुक के रियाज करना है, बिल्कुल जल्दी नहीं मचानी है, बिल्कुल जल्दी नहीं जाना है स्वर पे कि स्पीड से चले गए सारे गा मा पा धा नि सा, ऐसा नहीं करना है। बहुत रुक रुक के स्वरों का अभ्यास करना है, तभी गला और स्वर पक्के हो पाते हैं, गला तैयार हो पाता है। तो इसको लगाने का तरीका बार बार उसको टारगेट करेंगे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूट से उस पे जाएंगे। सारे गा सीधे गए, अब सारे रे गा, अब रे गा सारे गा सा गा। लेकिन हम बार बार आके गा स्वर पे रुक रहे हैं क्योंकि गा अभी हमारा टारगेट स्वर है। इसको हम 3 से 5 मिनट या 10 मिनट साध रहे हैं, इसके हम अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे ही प्रत्येक स्वर का हमें अभ्यास करना है। जैसे सारे गा मा, मा गा। अब अलग अलग तरीके से जा सकते हैं, जैसे डायरेक्ट मा से हम पकड़ सकते हैं मा गा। इस तरीके से हमारे स्वर पक्के हो जाएंगे। सारे रे गा गा मा, अभी टारगेट स्वर है मा। ये रियाज का सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक एक स्वर को साधें, एक एक स्वर का अभ्यास करें। सा गा रे मा, अलग अलग रूट से हम जा रहे हैं, कभी हम सारे गा मा जा रहे हैं, कभी हम सारे रे गा गा मा इस तरीके से जा रहे हैं, कभी सारे मा इस तरीके से हम जा रहे हैं। सा गा मा सारे मा सारे रे गा गा मा इस तरीके से आगे स्वर पे जाएंगे। बार 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 उसी स्वर को टारगेट करेंगे, उसी स्वर को पकाएंगे। सबसे पहले सा को साधा, फिर हमने रे को टारगेट किया, फिर हमने गा को टारगेट किया। इसी प्रकार अगले जो स्वर हैं मा पा धा नी, इनको भी हम इसी प्रकार से लगाते जाएंगे। जैसे सारे गा मा पा, डायरेक्ट पकड़ सकते हैं पा, और बार बार मशीन से हारमोनियम से चेक करेंगे कि हमारा स्वर लग रहा है कि नहीं लग रहा है।
सा प मिला के देखेंगे आवाज को प प म ग रे सा रे ग म प। इस तरीके से अलग अलग रूट से अलग अलग स्वर समुदाय से हम टारगेट स्वर पे जाएंगे। जैसे अभी टारगेट स्वर हुआ पा सा ग प रे ग म प ग म प सा प रे प ग म प। इसी प्रकार से धा नी और सा अन्य स्वरों को भी हम इसी प्रकार से लगाएंगे। अब आता है स्वर डिस्टेंस, मतलब एक स्वर से दूसरे स्वर की कितनी दूरी है। इसके अभ्यास से हमारा जो कल सुरापन है बेसुरापन है वो खत्म होगा, जरूर खत्म होगा। तो हम लगाएंगे स्वर डिस्टेंस सा से हर स्वर का अभ्यास करेंगे। ये भी बहुत जरूरी रियाज है बिगनर्स के लिए। सा रे वापस सा पे आएंगे सा ग सा म सा प सा ध सा नि सा सा। इस तरीके से हम सा से हर स्वर का अभ्यास करेंगे। ये हुआ स्वर डिस्टेंस, मतलब सा से रे कितनी दूरी पे है, सा से गा कितनी दूरी पे है, सा से मा कितनी दूरी पे है, सा से पा कितनी दूरी पे है, सा से धा कितनी दूरी पे है, इसी प्रकार से नी कितनी दूरी पे है, सा से तार का जो सा है वो कितनी दूरी पर है। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। सा रे सा गा सा मा सा पा सा धा सा नी सा सा। इस तरीके से चीज क्लियर होगी और हम दिन पर दिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें स्वर का बोध होगा कि कौन सा स्वर कौन से स्वर से कितनी दूरी पे है। इसी प्रकार से हम अवरोह में भी इसको करेंगे, डिसेंडिंग में इसको करेंगे। सा नी सा ध सा प सा म सा ग सा रे सा सा। जिस प्रकार से हम नीचे से ऊपर गए सा रे सा ग सा म, उसी प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ हम आएंगे सा नी सा धा सा प सा म सा ग सा रे सा सा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रियाज है, बहुत जरूरी रियाज है। और इसको ऐसा नहीं है कि दो मिनट करके छोड़ दिया, इसको बार बार करना है 10-15 मिनट जितना आप कर पाएंगे। जितना आप इसको ज्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपका स्वर पक्का होगा और आपको स्वर डिस्टेंस मालूम चलेगा कि कौन सा स्वर से कितनी दूरी पे है। हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं सा रे सा ग सा म सा प, तो सा से बार बार हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वापस से सा पे आ रहे हैं, जैसे सा रे सा ग सा म, तो क्या है कि हम बोलेंगे तो बोलते तो सा ही है, सा सुर को हम बोलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि लगता नहीं है उसकी जगह पे, वो नोट लगता नहीं है और हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, स्वर पूरा लगना चाहिए। जैसे सा रे सा ग सा म सा, इस सा स्वर को जरूर से ध्यान रखेंगे कि
कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, स्वर अपनी जगह पे लग रहा है या नहीं लग रहा है। ऐसे ही ऊपर का जो नोट हम लगा रहे हैं, सा नी सा दा सा पा सा मा सा गा सा रे सा सा। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि ऊपर का नोट जब बार बार हम सा पे जा रहे हैं तो वो स्वर लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसका ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिस में सबसे पहले हम, जैसा कि मैंने बताया, सा स्वर का हम अभ्यास करेंगे, बार बार सा स्वर को लगाएंगे, अच्छा सांस लेंगे, बार बार आवाज के साथ इसको छोड़ दे जाएंगे। उसके बाद हम स्वर डिस्टेंस का रियाज करेंगे, जैसा कि मैंने अभी ये बताया कि सा से रे, सा से गा, सा से मा, सा से पा, सा से धा, सा से नी, सा से सा, इसी प्रकार से तार सप्तक के साथ से नीचे नीचे की तरफ आएंगे, सा नी सा धा सा पा सा मा सा गा सा रे सा सा। और इसमें बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, आराम से रुक रुक के ठहर ठहर के ये अभ्यास करना है। अब हम आगे आते हैं अलंकार। तो पहले हम अलंकार को समझेंगे कि अलंकार क्या है। अलंकार में, अलंकार का अर्थ है आभूषण, गहने। तो जिस प्रकार हम इसको सादा भाषा में समझ सकते हैं, आसान भाषा में समझ सकते हैं इसको कि अलंकार क्या है, तो अलंकार का अर्थ है आभूषण, गहने। जिस प्रकार हम सजने संवरने के लिए गहनों का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार गायन वादन को खूबसूरत बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हम उसमें अलंकारों का प्रयोग करते हैं। चाहे वो गले का तैयार करना हो, गले का अभ्यास हो, या कोई बंदिशें हो, कोई गाना हो, कोई गजल हो, कोई ठुमरी हो, बीच बीच में उसमें अलंकारों का प्रयोग करते हैं, जिससे गाना, गायन या वादन, जैसे सितार वादन, वायलिन वादन, सुंदर बनता है। वो रचना जो हम गारे बजा रहे हैं वो बहुत सुंदर हो जाती है। तो अलंकार का अभ्यास कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं अलंकार जो बिल्कुल आरो अवरो है, शुद्ध स्वरों का, वो बता रहा हूं। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। इस प्रकार से हम इसका अभ्यास करेंगे। इसमें भी एक चीज जरूरी है जो ध्यान रखनी है, रियाज का जो तरीका है, हम इसकी कम से कम तीन ले बनाएंगे, तीन स्पीड में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी अलंकार हम प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम तीन स्पीड में उसको करेंगे। जैसे इस शुरुआती जो स्पीड है उसकी, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसके बाद हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, इसको 10-15 बार, 20 बार, 25-30 बार, जितना आपके पास समय है उस हिसाब से आप इसका रियाज करेंगे। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इसका रियाज हो, तो गला तैयार होगा आपका, गले में लोच होगी, लोच पैदा होगी, और आप एक अच्छे कलाकार बन पाएंगे, अच्छा गाना गा पाएंगे। शुरुआती स्पीड हुई, उसके बाद स्पीड बढ़ाएंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। अब और स्पीड बढ़ाएंगे।
सारे गा मा पा धा नी सा धा नी धा बा मा गा रे सा सारे गा मा पा धा नी सा धा नी धा बा मा गा रे सारे गा मा पा धा नी सा धा नी धा बा मा गा रे सा। तो कम से कम तीन स्पीड में तो हम रियाज करेंगे, तीन तरह की स्पीड में, थोड़ा कम, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर और ज्यादा। हम और चाहें तो और ज्यादा इसका स्पीड में रियाज कर सकते हैं, जैसे सारे गामा पा धा नी सा धा नी धा बा मा गा रे सा सारे गामा पा धा नी सा धा नी धा बा मा गा रे सा। लेकिन स्टार्टिंग जो स्टेज है उसमें हम इतना जल्दी का रियाज नहीं करेंगे, स्पीड वाला रियाज नहीं करेंगे, आराम से ठहर ठहर कर रियाज करेंगे। और एक हर अलंकार को कम से कम 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आप गाएंगे। और हर अलंकार में, जैसे हम इसको स्वर में बोल रहे हैं सा रे गा मा, इसी प्रकार हर अलंकार को आकार में भी बोलना है। आकार में किस प्रकार से बोलेंगे, आ आ आ आ, इस प्रकार से हम इसको स्वर में बोलेंगे, फिर आकार में बोलेंगे। ऐसे 10-15-20 बार हमने इसका प्रैक्टिस किया, फिर इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। पहले स्वर में बोलेंगे, फिर आकार में बोलेंगे, जैसे सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा बा मा गा रे सा, आकार में आ। जितनी बार हम कम से कम स्पीड में इसको बोल रहे हैं, जितनी बार स्वर में हम इसका अभ्यास करेंगे, उतनी ही बार हम आकार में भी इसको गाएंगे। आ, 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 और स्पीड बढ़ा सकते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा बा मा गा रे सा सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा बा मा गा रे सा। जैसे हमने इतनी स्पीड में 20 बार गाया, तो 20 बार हम इसका आकार में भी रियाज करेंगे। आपको गले को तैयार करने के लिए ये बहुत खास चीज है। आ, आ, जैसा कि मैंने बताया, स्टार्टिंग में हमें स्पीड में रियाज नहीं करना है, शुरुआत में हमें रुक रुक के ठहर ठहर के रियाज करना है। अब हम अगले अलंकार पे आते हैं, इसका हम डबल गाएंगे, जैसे सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा। जैसे पहले हम सिंगल गा रहे थे सा रे गा मा, अब इसका डबल गाएंगे सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। तो इस तरीके से इसका आकार में रियाज करेंगे, उसके बाद सरगम में करने के बाद आ पंद्रह बीस बार इसको करने के बाद पहले स्वर में फिर आकार में इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। जरूरी नहीं कि आप एक दिन में 20-25-30 अलंकार करें, आप 4 अलंकार को ठीक से करें, उसमें वक्त दें, इसको अच्छे से साधें, अच्छे से अभ्यास करें, तो इसके स्पीड बढ़ाएंगे। जैसे सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा 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 रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। आकार में गाएंगे से इसका, और स्पीड बढ़ाएंगे सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। और इसको भी इस प्रकार से आकार में गाएंगे। अब हम चाहें तो इसका तीसरा स्टेप भी ट्रिपल का हम इसका गा सकते हैं, जैसे सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा पा पा, इस प्रकार से हम इसको गा सकते हैं।
और सिस्टम वही रहेगा कि पहले हम कम स्पीड में स्वर के माध्यम से गाएंगे, स्वर में गाएंगे, कम स्पीड में गाएंगे और फिर उसी चीज को हम आकार में गाएंगे। इसी प्रकार उसका 10 15 20 बार होने के बाद उसको हम उसकी स्पीड बढ़ाएंगे, फिर उसको उसी प्रकार से आकार में गाएंगे, फिर और स्पीड बढ़ाएंगे। करने के बाद 10 15 20 बार कर लिया उसको, उसके बाद हम स्पीड बढ़ाएंगे और फिर उसको आकार में गाएंगे। सिस्टम यही रहेगा। तो इसी प्रकार से हम और भी अलंकार हैं जिनका अभ्यास कर सकते हैं स्टार्टिंग में, जैसे सा रे ग रे ग म ग म प म प द प ध नि ध नि सा। क्या बना? सा रे ग रे ग म, तीन तीन स्वर का खंड है ये। सा रे ग एक दो तीन, एक दो तीन, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। इसको हम स्वर में बोलेंगे सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा सा नि ध नि ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा। तो इसी प्रकार इसका भी हम आकार में रियाज करेंगे। दस पंद्रह बीस बार किया, उसके बाद स्पीड बढ़ाएंगे। सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा सा नि ध नि ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा। आकार में रियाज करेंगे उसी प्रकार। आ स्पीड बढ़ाएंगे उसके बाद। सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि ध सा नि ध नि ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा। इसी प्रकार इसको भी हम फिर आकार में गाएंगे। आ चाहे तो और स्पीड बढ़ा सकते हैं। आकार में भी जब हम रियाज करेंगे तो हमारा गला तैयार होगा। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट अलंकार। सा रे ग म रे ग म प, चार चार का ये बनेगा। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। तो चार चार का बना ये। सा रे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नि प ध नि सा सा नि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा। तो इस प्रकार इसको भी हम जैसे प्रत्येक अलंकार को हम पहले स्वर में गा रहे हैं, फिर उसको आकार में गा रहे हैं, फिर स्पीड बढ़ा रहे हैं उसको आकार में गा रहे हैं, और स्पीड बढ़ा रहे हैं और उसको आकार में गा रहे हैं। इसको भी इसी प्रकार से आ, 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 Ah.
अभ्यास करने के बाद स्पीड बढ़ाएंगे। सारे गामा रे गामा पा गामा पा धामा पा धानी पा धानी सा सानी धा पा नी धा पा मा धा पा मा धा पा मा गा रे मा गा रे सा। आकार में गाएंगे आ से अगले जो अलंकार हैं एक छोड़ के एक स्वर सा गा रे मा। सा से गा पे गए, रे को छोड़ा, अब रे से मा पे गए, फिर गा से पा पे गए। इस प्रकार एक स्वर छोड़ के एक स्वर अलंकार बनता है सा गा रे मा गा पा मा दा पानी इसको भी हम आकार में गाएंगे आ आ आ, 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 आ और स्पीड बढ़ाएंगे सा ग रे मा गा पा मा दा पा नी धा सा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। और इसको भी हम इस प्रकार से आकार में गाएंगे आ आ आ आ आ आ आ आ घूमेगा आ आ नेक्स्ट जब बनता है अलंकार सा ग रे सा रे मा ग रे गा पा मा ग मा धा पा मा पानी धा पा धा सा नी धा धा सा नी धा पानी धा पा मा धा पा मा ग रे सा ग रे सा। एक बार और देखेंगे इसको सा ग रे सा रे मा ग रे गा पा मा गा मा धा पा मा पानी धा पा धा सा नी धा पानी धा पा मा गा पा मा गा रे सा ग रे सा। इस प्रकार इसको भी हम आकार में गाएंगे आ आ आ आ आ। इससे आपका गला राउंड राउंड गोल गोल घूमेगा आ 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 आ। तो इस प्रकार हम अलंकारों के जरिए से गले को तैयार करेंगे, इसका स्पीड इसे बढ़ा सकते हैं बढ़ा के हम देखेंगे आ सा ग रे सा रे मा ग रे गा पा मा गा मा धा पा मा पा नी धा पा धा सा नी धा धा सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा ग रे मा ग रे सा ग रे सा ग रे सा रे मा ग रे गा पा मा गा मा धा पा मा पा नी धा पा धा सा नी धा धा सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा ग रे मा ग रे सा ग रे सा। इसको हम आकार में कहेंगे आ इस प्रकार से इसका भी हम उन्हीं तीन चार स्पीडों में रियाज करेंगे, जैसे कम लय में किया, थोड़ी ज्यादा लय में किया और ज्यादा लय में किया। हाँ, अगर किसी का गला स्वर मतलब सद गए हैं, स्वर हिलता नहीं है, स्वर अपनी जगह पे लगता है, तो और स्पीड बढ़ा सकता है गला अगर चलने लगा है तो। इसके बाद हम अलंकार लेते हैं सारे 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 गा रे गा रे गा रे गा मा
गामा 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 पा मा पा मा पा मा पा दा पादा पादा पादनी धनी 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 सा। जो दर्शक जो चैनल को देख रहे हैं, प्रोग्राम को देख रहे हैं लाइव, वो चाहे तो नोट कर सकते हैं अलंकार को। सारे 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 गा रे गा रे गा रे गा मा गा मा गा मा पा मा पा दा पा दा बा दा री धनी 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 सा। एक बार मैं फिर से बोल दूंगा सारे अलंकार, आप नोट कर सकते हैं। सानी 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 धा नी धा नी धा नी धा पा धा पा धा पा धा पा मा पा मा पा मा गा मा गा मा गा मा गरे 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 सा। इस प्रकार से इन सभी अलंकारों को उसी तरीके से उसी स्टाइल से रियाज करना है। अब हम थोड़ा सा वक्र अलंकार लेंगे। वक्र मतलब उल्टी चाल वाला अलंकार, जो आगे से पीछे की ओर जा रहे हैं, जैसे रेसा, सारे नहीं जाके रेसा, फिर आगे से गा रे मा गा पा मा, आगे की तरफ से पीछे आ रहा है जो अलंकार, वक्र चाल चल रहा है, जो उल्टी चाल चल रहा है, इस प्रकार के अलंकार। रेसा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा नी रे सा सारे नी सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सारे नी सा। रे सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा नी रे सा। दो अवरोह बन सकते हैं, एक तो रे सा सा नी सा रे नी सा धा नी पा धा, ये बन सकता है सा रे नी सा धा नी पा धा या नी सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा रे नी सा। इस अलंकार को भी इसी प्रकार से करना है। तो मैंने आपको 8 से 10 अलंकार बताए हैं। पहला सारे गामा बाधा निशा सानी धापा मागा रेसा, दूसरा डबल कर देना है सासा रे रे गागा मामा पापा दादा नीनी सासा, और वापस अवरो सासा नीनी दादा पापा मामा गागा रे रे सा। ऐसे ही तीसरा उसका ट्रिपल कर सकते हैं, जैसे सासा सा रे 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 गा गा गा, और नंबर चार सासा सासा रे 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 गा 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 गा। नेक्स्ट सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा, सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा, इस प्रकार से। उससे अगला सारे गा मा चार चार के छंद जो है बनाए, उसका चार चार का खंड है, सारे गा मा रे गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा रे सा, इस प्रकार से। आगे हमने किया सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा। अब अगला उससे किया हमने सा गा रे सा रे मा गा रे गा पा मा गा मा धा पा मा पा नी धा पा धा सा नी धा। सा गा रे सा रे मा गा रे गा पा मा गा मा धा पा मा पा नी धा पा धा सा नी धा पानी धापा माधा पामा गापा मागा रे मा गा रे सा गा रे सा। इसके बाद सारे 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 गा रे गा रे गामा गामा पा मापा 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 धा पादा पादा पादानी धानी 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 सा। ऐसे ही सा नी धा नी धा नी धा नी धापा 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 मा पामा 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 गा मागा 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 रे गा रे सा। इस प्रकार से ये अलंकार हुए। अलंकार का रियाज करने का यही मतलब है कि इससे गला तैयार होता है, गले में लोच पैदा होती है। अब हम चाहें कि एकदम से गला बहुत अच्छा सा गाने लगे, ऐसा नहीं है। धीरे 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 वो गला बनता जाएगा और आप अच्छा गाने लगेंगे। आप चाहें कि एकदम से हम कोई ठुमरी या बंदिश राग, राग आगे की चीज है, जरूर वो आगे आएगा, लेकिन हम पहले बेसिक जो है, ये बुनियादी जो चीज है, उसको सीखें। उसका मेरी याद दिया कि गाने लग गए, वो करते करते आएगा। क्या करेंगे
संगीत में थाट, थाट पे हम चर्चा करेंगे और थाट को मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कैसे कौन से थाट को कैसे गाएंगे, कौन से थाट में कौन कौन से स्वर लगते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। 5 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो, मित्रों हम उठे और जागे, ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना जीवन स्वयं बने, हम अपना ठीक आ रहा है ना सर? हाँ ठीक आ रहा है, थोड़ा पीछे रखिए, पीछे रखिए, कट जा रहा है। अच्छा पीछे रखो उसको, यस ऐसे करते हैं, ठीक है। वेट कीजिएगा, रेडी है तो बोलिए। जी सर रेडी है। ओके खान
साहब अब हम ब्रेक नहीं करेंगे, अब 11:30 हो रहा है तो 12 बजे हम सीधा वाइंड अप करेंगे। ठीक है सर। तो जैसा कि हमने अभी चर्चा की, संगीत क्या है और संगीत में रियाज कैसे करें, किन चीजों का रियाज करें, एक एक चीज पे हमने चर्चा की। अब हम आगे थाट पे चर्चा करेंगे। थाट क्या है? रागदारी से पहले, राग सीखने से पहले इन चीजों का आप जरूर से अभ्यास करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसा मैंने बताया आपको, आरो औरो, पकड़, स्वर साधना, साको जैसे बार बार अभ्यास करते हैं, साधते हैं। 12 स्वर का डायग्राम मैंने आपको बताया, आरो औरो का रियाज। फिर हम रियाज कैसे करेंगे इस चीज पे आए थे कि साको साधना है, उसी प्रकार हर स्वर को साधना है, एक एक करके, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है। फिर हमने अलंकार किए थे और हर अलंकार को किस प्रकार से गाना है, पहले स्वर में, फिर उसी चीज को आकार में, फिर स्पीड बढ़ा के स्वर में, फिर आकार में, फिर और स्पीड बढ़ा के स्वर में और आकार में, इस प्रकार से हमने किया। और भी आप अलंकार कर सकते हैं इनके अलावा भी। अब हम चर्चा करेंगे थाट पे। थाट क्या है उस पर चर्चा करने से पहले हम समझेंगे, हम आसान भाषा में समझ सकते हैं कि थाट जो है वो रागों के जनक हैं। मतलब ये हुआ कि भारतीय संगीत के अंतर्गत जितने भी राग हैं उनको 10 भागों में विभाजित किया गया, उनको 10 भागों में बांट दिया गया है और उन्हीं को हम थाट कहते हैं। समस्त रागों को 10 भागों में विभाजित किया गया है, उनको हम थाट कहते हैं, अर्थात हम रागों के जनक के रूप में इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले थाट आता है बिलावल। बिलावल थाट में सभी शुद्ध स्वर होते हैं, कोई कोमल या तीव्र स्वर नहीं होता है। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि कुल स्वर 12 होते हैं और 7 शुद्ध होते हैं, 4 कोमल, 1 तीव्र। तो उन्हीं पे आधारित, उन्हीं 12 स्वरों में ये थाट होते हैं। अब किसी थाट में कोई सा स्वर हट जाता है, कोई सा कोमल लग जा, हटेगा नहीं स्वर, 7 स्वर रहेंगे। प्रत्येक थाट में 7 स्वरों का रहना जरूरी है। और किसी में क्या चेंज हो जाएगा, जैसे किसी में शुद्ध मध्यम है तो किसी में तीव्र मध्यम है, किसी में कोमल रे है, किसी में कोमल गा है, या किसी में कोमल रेगा दोनों है, धानी भी कोमल है। तो इस प्रकार से ये 10 थाट हैं। सबसे पहले बात करूंगा बिलावल थाट। बिलावल थाट में सारे शुद्ध स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी। तो इस प्रकार से बिलावल थाट को हम कैसे गाएंगे वो देख लेते हैं। सा रे गा मा पदनी सा नी धा पा मग रे सा। आप देख पाएंगे कि बिलावल जो थाट है उसमें ये बिलावल थाट हुआ पहला, इसमें कोई स्वर कोमल या तीव्र नहीं है, सभी शुद्ध स्वर हैं। इसके बाद हम आते हैं कल्याण थाट। कल्याण थाट को हम देखेंगे, कल्याण थाट इसमें हम देखेंगे मध्यम स्वर जो है वो तीव्र स्वर है, बाकी सभी शुद्ध स्वर हैं। तो तीव्र स्वर को लगाने का क्या तरीका है वो इसके जरिए हम सीखेंगे, कल्याण थाट के जरिए। सा
ये हुआ कल्याण था तीव्र मध्यम इसमें लगा जैसे सारे गामा शुद्ध माँ से आगे जाके माँ है सारे गामा पर आगे थाट आएगा खमाज नंबर तीन थाट है खमाज थाट में कोमल नी है बाकी सभी स्वर शुद्ध स्वर है खमाज में अब पीछे करेंगे इसको कोमल नी है बाकी सभी शुद्ध स्वर हैं अब इसका हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे सा रे ग म प ध नी सा शुद्ध नी की जगह कोमल नी का हमने इसमें प्रयोग किया तो ये खमाज साज बनता है जैसे सा रे ग म प ध नी सा इसके बाद थाट आता है काफी काफी थाट में ये काफी थाट इसमें गा और नी स्वर कोमल है बाकी एज इट इज शुद्ध स्वर है गा और नी स्वर कोमल तो गा और नी स्वर कोमल स्वर को हम कैसे लगाते हैं कैसे गाते हैं वो देखेंगे सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा स्वर की जगह बदल गई शुद्ध की जगह गा और नी स्वर कोमल हो गए तो उसका रूप भी बदला सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा आगे हम चर्चा करेंगे असावरी थाट पे असावरी थाट में गा धा और नी स्वर हम कोमल स्वर प्रयोग करते हैं बाकी शुद्ध स्वर इसमें प्रयोग करते हैं गा धा और नी तो गा धा नी स्वर कोमल कैसे गाएंगे सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा इसके बाद हम आते हैं भैरव 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 में रे और धा स्वर कोमल स्वर हैं बाकी सभी शुद्ध स्वर हैं तो कोमल रे और धा स्वर को कैसे गाएंगे सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा अगला जो है भैरवी भैरवी इसमें रे गा धा और नी ये चार स्वर कोमल स्वर प्रयोग होते हैं बाकी शुद्ध स्वर प्रयोग होते हैं हम गा के देखेंगे भैरवी सा रे ग म प ध नी सा सा नी द प म ग रे सा फिर से गाएंगे सा रे ग म प ध नी सा सा नी द प म ग रे सा आगे थाट आता है मारवा अब इसमें क्या है कि कोमल स्वर भी है शुद्ध स्वर भी है
और तीव्र स्वर भी प्रयोग हुआ है, मध्यम जो तीव्र स्वर होता है मारवा, मारवा कोमल रे तीव्र मा और शुद्ध स्वर बाकी हैं इसमें, हम गा के देखेंगे। सारे रे गाय पदनी सा नी दा प म ग रे सा रे गाय म पधनी सा नी दा प म ग रे सा। इसमें मा स्वर तीव्र और कोमल स्वर रे प्रयोग होता है, बाकी शुद्ध स्वर प्रयोग होते हैं। एक बार और गा के देखेंगे। सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। तो आप देखेंगे कि एक एक स्वर के चेंज हो जाने से, शुद्ध कोमल हो जाने से उसका स्वरूप बदल जाता है, उसकी खुशबू बदल जाती है। सा रे ग म ग रे सा। आगे हम बात करेंगे पूर्वी थाट, पूर्वी अर्थात पूर्वी को, इसमें रे और धा स्वर कोमल है, रे और धा स्वर कोमल है और तीव्र मध्यम स्वर बाकी इसमें शुद्ध है। रे धा स्वर कोमल तीव्र मध्यम बाकी शुद्ध, ये थाट है पूर्वी। हम गा के देखेंगे। सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। इसके बाद आता है थाट तोड़ी, तोड़ी में थाट तोड़ी, इसमें रे गा और धा स्वर कोमल है, तीव्र मध्यम है, रे गा और धा स्वर इसमें कोमल है, तीव्र मध्यम है, बाकी शुद्ध है नी। इसको हम गा के देखेंगे। थाट तोड़ी सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा। तो आप देखेंगे कि स्वरों की जो स्थिति उसको चेंज हो जाने से, उसको बदल जाने से, शुद्ध स्वर की जगह कोमल स्वर हो जाने से, प्योर स्वर हो जाने से उसकी बिल्कुल खुशबू बदल जाती है। सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। इस प्रकार से 10 थाट होते हैं। सामने रखो तो एक बार मैं फिर से उसको थाट को रिपीट कर देता हूँ। बिलावल थाट सारे शुद्ध स्वर सारे ग म प ध नि सा सा नि द प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा सा नि द प म ग रे सा। इसके बाद आता है कल्याण थाट, कल्याण थाट में तीव्र मध्यम बाकी शुद्ध, मा स्वर तीव्र है बाकी शुद्ध स्वर है, जैसे सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। अभी अब आता है खमाज थाट, खमाज में कोमल नी बाकी सभी शुद्ध स्वर हैं, आगे देखेंगे। सा रे ग म प ध नि सा
नी दा ब म ग रे सा सारे गामा पा दा नी सा सा नी दा ब म ग रे सा। इसके बाद आता है ठाट असावरी, उसमें हम जी सर सर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जी बच्चों का पूछना है कि हिंदुस्तानी संगीत का प्रारंभ कब से माना जाता है। हिंदुस्तानी संगीत का प्रारंभ कब से माना जाता है? हिंदुस्तानी संगीत, यूं तो संगीत का जो इतिहास बताया जाता है कि प्राचीन अति प्राचीन काल से संगीत दुनिया में है, जब से दुनिया है जब से संगीत है, लेकिन इसका स्वरूप बदलता गया और जब अब हम आधुनिक संगीत जो गा रहे हैं बजा रहे हैं, भातखंडे जी ने इसकी लिपि तैयार की, इसको किताबों के जरिए फैलाया, तो प्राचीन काल से अति प्राचीन काल से संगीत है जी। सर एक और क्वेश्चन है कि क्या अन्य देशों के संगीत और हिंदुस्तानी संगीत में प्रयोग किए जाने वाले स्वर एक से होते हैं? बिल्कुल, पूरी दुनिया के विश्व भर में जो संगीत टिका हुआ है 12 स्वरों पर टिका हुआ है, बस यही है कि स्वरों के नाम अलग हो गए, स्वर गाने का स्टाइल अलग हो गया, स्वर को लगाने का ढंग अलग हो गया, बाकी 12 स्वरों पे ही पूरा संगीत, पूरा विश्व का संगीत टिका हुआ है, पूरा विश्व का संगीत आधारित है जी। सर एक और लर्नर ने एक क्वेश्चन किया है कि क्या संगीत का तात्पर्य केवल गायन से होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल गायन से नहीं होता। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि बोलचाल की भाषा में हम सिर्फ गाने को ही संगीत समझते हैं, लेकिन गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को हम संगीत कहते हैं जी। सर एक और क्वेश्चन है कि आपने बताया 12 सुर जी, स्वर तो 7 होते हैं, तो 7 के अलावा और कौन कौन से सुर हैं? जी 12 स्वर नहीं, असल में स्वर जी 7 स्वर नहीं, सॉरी स्वर एक्चुअली 12 ही होते हैं, वो बोल चाल में आम भाषा में कि 7 स्वरों का तेरा मेरा संगम, 7 स्वरों का दरिया, वो हम सुनते आए हैं, तो असल में जो म्यूजिक फील्ड के लोग नहीं है वो समझते हैं कि हाँ 7 ही स्वर है, लेकिन असल में स्वर 12 है, जिसमें 7 स्वर शुद्ध हैं और 4 कोमल, 1 स्वर तीव्र स्वर है जी। और सर एक और क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत को और गहराई से जानने के लिए कौन से ग्रंथ या पुस्तक पढ़ना चाहिए? हाँ, कई चीजें हैं, जैसे बिगनर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा राग परिचय हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी की किताबें हैं, उनसे हम समझ सकते हैं, असल में तो संगीत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हाँ लेकिन किताबों के जरिए हम इसकी मदद ले सकते हैं किताबों की सीखने के लिए, और भी राग विशारद है, संगीत विशारद है, और बहुत सारी किताबें हैं, एक और किताब है भारतीय संगीत का इतिहास, राम मिश्र झा की या कोई उसके लेखक हैं उनकी किताब है, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है भारतीय संगीत के इतिहास को, भारतीय संगीत जी। सर एक और लर्नर का है कि शुद्ध स्वर को एक बार फिर से गाकर समझाएं। बिल्कुल, शुद्ध स्वर को मैं गा के बता रहा हूँ, सा रे ग म प ध नी सा सा नी धा प म ग रे सा। हाँ मैं उनको बताना चाहूंगा कि जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैंने जो आपको तरीका बताया कि हाँ सबसे पहले सा का अभ्यास करना है, सा को साधना है 10-15 मिनट, उसके बाद एक एक स्वर को बहुत जल्दी में नहीं करना है, आराम से रियाज करना है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा के रियाज करना है जी। जी चलिए, तो हम थाट पे बात कर रहे थे, तो थाट में मैंने समझाया था कि स्वरों का बदल जाने से, कोमल शुद्ध स्वरों की स्थिति बदल जाने से उसकी खुशबू बदल जाती है, जैसे भैरवी की बात करते हैं, थाट भैरवी सारे गम पद नी सा सा नी दा बा म ग रे सा। अब ऐसे ही हम मारवा स्वर को जब, मारवा थाट को जब गाएंगे तो उसकी खुशबू अलग आएगी, स्वरों का बस
वही 12 स्वर है, उन्हीं में चेंज हुआ है कि का रख रखाव इधर उधर हो गया है, उससे ही चेंज हो गया है। सा रे ग म प द नि स सा नि द प म ग रे सा। तो इसी प्रकार से इन्हीं 12 स्वरों में सारी कॉम्पोजिशंस बनती हैं, सारी धुनें बनती हैं, चाहे वो फिल्मी बॉलीवुड की धुनें हों या क्लासिकल की हों, संगीत की कोई भी शैली हो, जैसे गजल, ठुमरी, दादरा या क्लासिकल में जो कंपोजिशंस बनती है, इन्हीं 12 स्वरों पर सारा संगीत आधारित है, इन्हीं 12 स्वरों में कंपोजिशंस बनती हैं। हाँ, एक चीज का जरूर से ध्यान रखेंगे, फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि आपको बिल्कुल भाग दौड़ में रियाज नहीं करना है, सुकून से रियाज करना है। एक एक चीज को पहले स्वर में गाएंगे, जैसे मैंने अलंकार का जिक्र किया था, अलंकारों को सबसे पहले गाएंगे, अपन स्वर में गाएंगे, उसके बाद उसको आकार में गाएंगे और फिर उसकी स्पीड बढ़ाएंगे, उसको फिर आकार में गाएंगे, स्वर में गाने के बाद इसी प्रकार से आपको रियाज करना है। एकदम से गला तैयार नहीं हो जाता है कि हम समझे कि हमारा एकदम से हम तो ठुमरी गाने लगे और हमारे गले में ऐसे बात आने लगे, वो धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे गला बनता जाएगा, समझ आता जाएगा और आप अच्छा गाने लगेंगे। जैसे आप कहेंगे कि भाई एक चीज में से ठुमरी की हम बात करते हैं, ठुमरी में एक चीज को वो गाते हैं बार बार, एक लाइन में वो अपना भाव दिखाते हैं, तो वो भाव कैसे दिखाते हैं एक चीज में बार बार कैसे गाते हैं अलग अलग तरीके से, तो बस वही है, वो सीखा हुआ होना चाहिए इंसान। और जब उसको सीख के गाएंगे तो उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एक ठुमरी का मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। बहुत ही पॉपुलर ठुमरी है, इसमें मैं बताऊंगा अलग अलग तरीके से कैसे गा सकते हैं। हाँ, लेकिन वो अच्छा समझने के सीखने के बाद ही पॉसिबल है। याद पिया की आए है राम, याद पिया की आए है राम। तो हम समझ रहे हैं कि याद पिया की आए तो कोई खुशी की बात नहीं है, विरह है, दुख है, पीड़ा है, तो उस पीड़ा को हम अलग अलग तरीके से कैसे बयान कर सकते हैं, वो सीखने के बाद अच्छे से हम उसको बयान कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कैसे कैसे इसको कुछ गा सकते हैं, कैसे कैसे भाव बन सकता है। याद पिया की आए हो राम, याद पिया की आए है राम, ये दुख सहा न जाए हाय राम, याद पिया की आए हो याद पिया की आए, बेरी कोयलिया कूक सुनाए, बेरी कोयलिया, अब कोयलिया कूक सुनाए हम इसको कैसे कैसे गा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। बेरी कोयलिया बेरी कोयलिया कूक सुनाए, मुझे बिरहन का जियरा जलाए राम,
जिए राजा लाए मुझे बिरहन का जियरा जलाए रा पी बिना रहा न जाए है राम याद पिया की आए है राम याद। तो इस प्रकार से स्वर को समझने के बाद स्वर को लगाने का तरीका मैं आप सबसे मुखातिब हुआ, थाट मैंने आपको बताए, उन्हीं थाटों के प्रयोग से सारी कंपोजिशंस बनती हैं फिल्मी दुनिया की, भारतीय शास्त्रीय संगीत में जैसे बंदिशें हम गाते हैं, तराना, ठुमरी, गजल, इन्हीं चीजों पे सब आधारित है। तो मैं समझता हूं कि आप सबको समझ आया होगा कि रियाज कैसे करना है, और रियाज का तरीका मैंने आपको बताया, अलंकार मैंने बताए, संगीत की कुछ परिभाषाएं मैंने बताई, स्वर का डायग्राम मैंने आपको समझाया, 12 स्वर जो होते हैं वो मैंने समझाया, अलंकारों को किस प्रकार से गाना है। सर जी, सर इसी बीच एक प्रश्न आया है कि सर अभी आपने 10 थाटों का गायन बताया है, तो क्या थाट गाए जाते हैं? जी जी, ये प्रवीण कुमार का है सर, बिहार से पूछ रहे हैं जी कि अभी जो आपने 10 थाटों थाट? का गायन, हेलो आवाज आ रही है सर? जी जी सुन रहा हूँ जी, आ रही है, आ रही है। अभी आपने 10 थाटों का गायन बताया है, तो क्या थाट गाए जाते हैं? जी थाट गाए जाते नहीं हैं? सर थाट गाए नहीं जाते, थाट गाए नहीं जाते हैं, थाट का अभ्यास किया जाता है गले को तैयार करने में, स्वर को समझने के लिए थाट का अभ्यास किया जाता है, राग गाए जाते हैं। जी जी सर जी, थैंक यू। तो आरोह अवरोह पकड़, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, और उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ आया होगा। हाँ, बस यही रखना है कि बहुत हबड़ दोबड़ में रियाज नहीं करना है, आराम से सुकून से रियाज करना है, भागम भाग नहीं करनी है रियाज में। एक एक स्वर को जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा एक खास चीज कि आपको सा स्वर का अभ्यास करना है 10 से 15 मिनट, आप सुकून से सा को लगाएं, अच्छा सांस लें, बढ़िया सांस लें, और उसको धीरे 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 स्वर के साथ छोड़ें। ऐसे ही मैंने अलंकार का जिक्र किया, तो उसमें आप जैसे मैंने बताया आप बिल्कुल स्पीड से रियाज नहीं करेंगे, शुरुआत में आप स्वर को पकाएंगे, स्वर को साधेंगे अच्छे से, और धीरे 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 जैसे ही गला तैयार होने लगेगा, स्वर का डिस्टेंस समझ आने लगेगा, तो आप खुद ब खुद उसकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले स्टार्टिंग में जो रियाज करना है, जैसे सारे गामा बादनी ससानी दाबा मगरे सा, इससे भी कम स्पीड में हमको रियाज करना है, लेकिन आगे जैसे हम गला तैयार होता जाएगा, समझ आता जाएगा, हमारी स्पीड बढ़ दी जाएगी। जैसे सारे गामा बादनी ससानी दाबा मगरे सा, और भी अलंकारों का हम इस प्रकार से गा पाएंगे, जैसे सारे गरे गामा गामा बामा बादा बादा नी धनी सा सनी धनी धा बादा बामा बामा गामा गरे गरे सा। हाँ, लेकिन शुरुआत में ये इस स्पीड पे नहीं जाना है बिगिनर्स को, खास तौर से सुकून से रियाज करना है। जी नमस्कार, आज के लिए धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद सर।